देखते हैं। अभी नहीं देख पाता हूँ। लास्ट फिल्म कौन सी? लेकिन मेरे गांव में एक थिएटर था जी, और मेरा एक दोस्त था दशरथ करके, उसके पिताजी थिएटर के बाद सिंह चना बेचते थे। अच्छा। और हम गांव वाले उनको लक्ष्मणबाई थिएटर वाला बोलते थे, वो बेचते थे तो चना से, तो इनसे हमारा परिचय था। तो हम वहां जाके बैठते थे, और अगर थिएटर में दर्शक कम है और जगह बची है तो फिर वो थिएटर के बाहर ही बैठते थे, तो मालिक को कह देते कि जरा इन बच्चों को बिठा दो ना, तो फिर वो मुफ्त में हमको थिएटर में जाने का मौका मिल जाता था। वो लक्ष्मण भी जो सिंह चना बेचते थे उनके कारण। तो मैं और हमारा वो दोस्त है दशरथ, तो हम दोनों जाके बैठ के मूवी देखते थे। तो बचपन में मूवी देखने का यही एक हमारा तरीका था। बाद में तो जिंदगी ऐसी बन गई तो कोई मौका नहीं मिलता, लेकिन शायद एक अमिताभ बच्चन जी आए थे जब मैं सीएम था। अच्छा। तो उनका बड़ा आग्रह था एक अच्छा। तो उनका बड़ा आग्रह था एक पापा फिल्म शायद जी, बिल्कुल, तो देखने के लिए उनके साथ में चला गया था। एक बार अनुपम जी खैर आए थे, उन्होंने टेरिज्म को लेकर के एक फिल्म बनाई थी, सीएम था मैं, टेरिज्म को लेकर के एक फिल्म बनाई थी, वेडनेसडे शायद, हाँ, तो वो मैं उनके साथ देखने चला गया था। तो ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वो भी ज्यादा पीएम बन के बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाया, बिल्कुल नहीं कर पाया। मैंने एक फिल्म बनाई थी, आपको मैंने हल्का सा कुछ बताया भी था पहले, कि टॉयलेट एक प्रेम का था, फिल्म बनाई थी, और मैंने वो मैं खुद देख नहीं पाया, लेकिन मैंने लोगों को बहुत कहा, अब वो कि देखो भाई सामाजिक जीवन पर कैसे फिल्में चल सकती है और बन सकती हैं। अब वो कमर्शियल हिसाब से मैंने पूरे बनाए थे, बल्कि गाने वाने वगैरह ये माँ पिता सब कुछ उसमें रखा हुआ था, और मैसेजिंग सोशल मैसेजिंग था वो अच्छा था। तो लेकिन खैर वो तो मैंने रियल लाइफ में किया था, लेकिन आपने रियल